हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल हंगरी माइंड क्लासेस। आज हम 12 अक्टूबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सभी कवर करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि साहित्य में 2018 और 2019 में नोबेल प्राइज दिए गए हैं। आप सभी को पता होगा कि साहित्य में 2018 में नोबेल प्राइज नहीं मिल पाया था, इसीलिए 2018 का नोबेल प्राइज 2019 में दिया गया है। तो 2018 का नोबेल प्राइज किसको मिला? ओल्गा तोकारचुक को 2018 का नोबेल प्राइज मिला। ये एक पोलिश लेखिका है। कहाँ की लेखिका है? ये एक पोलिश लेखिका ओल्गा तोकारचुक को 2018 का नोबेल प्राइज मिला है। इन्होंने बताया कि जीवन की परिधियों से परे एक कथात्मक परिकल्पना करने के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला है। और 2019 को नोबेल प्राइज किसको मिला? 2019 का नोबेल प्राइज मिला ऑस्ट्रेलिया के एक लेखक हैं, पीटर हैंडकी। ऑस्ट्रेलिया के लेखक हैं पीटर हैंडकी को 2019 का नोबेल प्राइज मिला। इन्होंने बताया कि भाषाई सरलता के साथ मानवीय अनुभवों की विशेषता और परिधि के बाहर एक प्रभावशाली काम करने के लिए इनको ये नोबेल प्राइज मिला है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि शांति में 2019 का नोबेल प्राइज मिला। किसको मिला? इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद को शांति में 2019 का नोबेल प्राइज मिला है। किस लिए मिला इनको ये प्राइज? क्योंकि इनको जो पड़ोसी देश था इरिट्रिया, वहाँ दो दशक से भी अधिक समय से संघर्ष चल रहा था। उस संघर्ष को खत्म करते हुए वहाँ पर शांति स्थापित करने के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की थीम क्या थी? इस दिवस की थीम थी गर्ल फोर्स अनस्क्रिप्टेड एंड अनस्टॉपेबल। गर्ल फोर्स अनस्क्रिप्टेड एंड अनस्टॉपेबल इस साल इस दिवस की थीम है। आप एक चीज़ और याद रखना कि जितने भी आपके गर्ल से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो सभी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए इस दिवस को जरूर याद रखना कि 11 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। एक चीज़ और याद रखना कि जो ये दिवस था ये यूनाइटेड नेशन ने 2012 में स्टार्ट किया था। यूनाइटेड नेशन ने कब स्टार्ट किया था? 2012 में स्टार्ट। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि हर साल विश्व मोटापा दिवस कब मनाया जाता है? हर साल विश्व मोटापा दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। एक चीज़ और याद रखना आप कि वर्ल्ड ओब्सेसिटी फेडरेशन द्वारा इस दिवस की शुरुआत कब की गई थी? इस दिवस की शुरुआत की गई थी 2015 में। क्योंकि जो मोटापा है इसको एक तरीके से कलंक की तरह देखा जाता है, मोटापे को एक तरीके से कलंक माना जाता है, और इस कलंक को ख़त्म करने के लिए इस दिवस की शुरुआत की गई थी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि दिल्ली में सरस आजीविका मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले का आयोजन दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो है कि ग्रामीण महिलाओं को एक मंच प्रदान करना, ग्रामीण महिलाओं को जीविका प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करना इस मेले का उद्देश्य है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि 38वां भारतकालीन एक्सपो कहाँ स्टार्ट किया गया? वाराणसी में स्टार्ट किया गया। ये एक्सपो 11 से 15 अक्टूबर के बीच चलेगा, 11 से 15 अक्टूबर के बीच चलेगा। इस एक्सपो का उद्देश्य क्या होगा कि जितने भी भारतीय हाथों से बने कालीन है, ये जो फर्श कवरिंग है, उनको बढ़ावा देना इस एक्सपो का मेन उद्देश्य है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि जैम और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया UBI ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, इन दोनों के बीच एक समझौता हुआ है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि सैक्सोफोनिस्ट और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कादरी गोपालनाथ का निधन हो गया है। जो सैक्सोफोनिस्ट क्या होता है? ये सैक्सोफोनिस्ट एक तरीके का वाद्य यंत्र है जो एक तरीके से बैंड की तरह देखने में होता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि महात्मा गांधी के सम्मान में सिक्का जारी करने का निर्णय किसने लिया? यूनाइटेड किंगडम ने महात्मा गांधी के सम्मान में एक सिक्का जारी करने का निर्णय लिया है। की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि रेलवे पुलिस की वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने रेलवे पुलिस की वेबसाइट और एप्लीकेशन लॉन्च करी है। इस वेबसाइट का नाम क्या है? www.railways.dillipolice.gov.in और एप्लीकेशन का नाम क्या है? सहयात्री। ये जो एप्लीकेशन और ये वेबसाइट है, इसका काम क्या होगा? यात्रियों की शिकायतों को दूर करना। और इस वेबसाइट पर क्या काम होगा? इस वेबसाइट का काम होगा कि जितने भी आपके सक्रिय अपराधी हैं उन सभी के डेटाबेस को फोटो के साथ इस वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में एक सुरक्षित मातृत्व आश्वासन का शुभारंभ किया। उसका नाम क्या? उसका नाम है सुमन। इस पहल का उद्देश्य क्या है? कि बिना किसी खर्च के सभी माताएं, जितनी भी माताएं और जितने भी नवजात शिशु हैं, उनको उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना इस पहल का उद्देश्य है। मतलब कि ये क्या करना चाह रहे हैं? ये जो मातृत्व मृत्यु दर है, यानी कि जो माता मृत्यु दर है और जो शिशु मृत्यु दर है, उसको कम करना चाह रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि सिंगापुर पहला ऐसा देश बन गया है जिसने पीने योग्य पदार्थ, जिनके कारण डायबिटीज होती है, उनके विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कि पीने योग्य पदार्थों के
विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बन गया? सिंगापुर बन गया। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि यस बैंक के सीईओ कौन है? अनीता पाई यस बैंक की नई सीईओ बनी है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि आरबीआई ने केरल सरकार को केरल बैंक के गठन के लिए अंतिम मंजूरी दे दी है। मतलब कि केरल राज्य सहकारी बैंक और जिला सहकारी बैंक मिलकर अब एक केरल बैंक का गठन करेंगे। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि पहला राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान लेखक सम्मेलन कहाँ स्टार्ट हुआ? लखनऊ में स्टार्ट हुआ। याद रखना आपके जितने भी यूपी के एग्जाम हैं उनके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान लेखक सम्मेलन कहाँ स्टार्ट हुआ? तो कहाँ स्टार्ट हुआ? लखनऊ में स्टार्ट हुआ। तो ये थे हमारे 12 अक्टूबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर।